रहते उनको उपभोग कहा जाता है। एक बार में जो खत्म हो जाए
जाता है उसको वो कहा जाता है, उनकी सारी लिमिट बना दी है वो, और वो इतने उनके जो चीज है इतने द्रव्य से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उपभोग के भी जितने द्रव्य है वो भी लिमिटेड होने चाहिए। हो गया नहीं, एक बार भोगने से खत्म हो जाए उपभोग, या नहीं बारंबार जीवन के अंदर जिनका यूज किया जाता है। एक सावक ने एक बार पूछा, हम दरअसल में जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, अगर हमारे पास कोई दवाइयां है तो क्या हो जाती है, भगवान की दृष्टि जिनके ऊपर पड़ती है वो क्या हो जाता है, देवद्रव्य हो जाता है। आप खाने की कोशिश अगर डेरा समय लेके जाते हो, भगवान की दृष्टि अगर हो जाती है तो वो देवद्रव्य हो जाता है। ये आप डेरा सर के बाहर जो बाहर स्टैंड लगाते हैं लकड़ी का, आप कहीं भी सिनेरियो में जाओ कि बाहर लकड़ी का स्टैंड रहता है, भगवान की दृष्टि है, स्टैंड आ गया, उसके बाद कोई कुछ लेके जाता है तो भगवान की दृष्टि नहीं पड़ती है तो वो देवद्रव्य नहीं होता है। लेकिन जहां जहां भी भगवान की दृष्टि पड़ गई वो देवद्रव्य हो गया। आप दवा लेके गए, आपके पॉकेट में दवा है, वो दवा देवद्रव्य हो गया। बराबर ऐसा पूछा कि महाराज साहब ये दवा लेकर गए देवद्रव्य हो गए, बात बराबर है कि मैं पाकिट भी लेके गया और भगवान ने पाकिट भी देख लिया तो पाकिट भी देवद्रव्य हो गया। आपने बाजार में डालने के लिए पाकिट निकाला, पाकिट में समझ लो कि 500 की नोट है, 1000 की नोट है, 10 की नोट है, सारी नोट निकाली, भगवान की दृष्टि सब नोट कितनी पड़ गई, पाकिट में पड़ गई, वो देवद्रव्य हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, भगवान ने कुछ किया, 12.5 साल भगवान मौन रहे, भगवान की सोच
एक आत्मा लक्ष्मी थी और कोई सोच नहीं थी, जबकि अनंत बस जो इंसान होता है डिप्रेशन में आता है, सोचता रहता है, डिप्रेशन में आता है, बहुत सारी बीमारी होती है। कौन क्या करेगा, ये क्या करता होगा, इसके जीवन में आया, इसका बच्चा ऐसा होगा, इसकी वो ऐसी होगी, ये सोच कुछ मिलने वाला नहीं, अनंत अनंत है, इसे कुछ मिलता नहीं है। भगवान ने 12.5 साल तक कुछ नहीं सोचा है। एक तो भगवान आत्मभाव में लीन हो गए, हमको आगे जाके वही करना है। हम सिद्धांत कर रहे हैं, हम आसमान कर रहे हैं, हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, हम सामयिक कर रहे हैं, धीरे 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 कुछ फलता को दूर करना है, मन को स्थिर करना है, तो ही हमारे ध्यान में कर्म के क्षय होने वाले हैं। आगे जाके तो वो भाव में आना है, आत्मभाव में लीन होना है, वो लीन होने के लिए सारी क्रिया बताई गई। एक शिष्य का हमेशा गुरु के पीछे पीछे ही रहता था, बस गुरु का ध्यान रखता था, मेरे गुरु किससे बात कर रहे और क्या कर रहे हैं। ऐसे कई लोग होते हैं, आप ऑफिस में होंगे लेकिन आपका ध्यान कई बार होता है, मेरे बेटा तक होंगे, खाना बनाने होंगे, किससे बात करते, ऐसे भी लोग होते हैं। संता एक कुतूहल है, जिस सोचने से ऑनली बात करने का बंद होता है। ऐसा एक शिष्य था, अपने गुरु के पीछे पीछे, गुरु को पता चल गया कि ये बता रहे मेरे पीछे था भी पड़ गया है, पता नहीं मेरे पीछे किसे आ रहा है, नहीं उनका कुछ आत्मा का कल्याण होगा इसके अंदर। तो गुरु जब भी बाहर जाते थे तो उनको बिना बताए चले जाते थे, बिना बताए चले जाते थे, और उनका जो कथा वगैरह पूरी होती थी फिर शाम को लेट से आते थे। अब ये शिष्य के मन के अंदर ज्यादा शंका होने लगी, ये सूर्य संत कहाँ जाते होंगे, भगवान के पास जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, कोई धर्म करते होंगे, कोई अधर्म करते, क्या करते होंगे। उनको भी कुतूहल होने लगा, अभी कुछ भी हो जाए, जब गुरु जाते होते पीछे कुछ भी करके जाओ, लेकिन गुरु जाते थे कभी ऐसा भी कर रहे थे, उनको कोई काम नहीं मिला, वे झाड़ू लगा देना, ये कर लेना, वो पढ़ लेना। उनको गुरु अच्छे लगते थे, गुरु का काम अच्छा लगता था, दोनों में से अच्छा था, गुरु अच्छे लगते थे, गुरु का काम अच्छा लगता था। अच्छा, गुरु की हाजिरी में काम अच्छा लगता है कि गुरु की गैर हाजिरी में काम अच्छा लगता है? नॉर्मली बात है, कोई भी गुरु आदेश दे समझ लो तो गुरु की हाजिरी में काम करना अच्छा लगता है कि गुरु की गैर हाजिरी में काम करना अच्छा लगता है? तो गुरु आदेश देके गए कि आपको ये करना है, तब गुरु नहीं है, गुरु सुने से सामने नहीं है, तब काम करना अच्छा लगेगा कि उनके सामने काम करना अच्छा लगेगा? भगवान के सामने भक्ति करना अच्छा लगता है कि यहाँ से निकलने के बाद भगवान ने जो आज्ञा दी वो अच्छी लगती है? मेरा समय आप आते हो भगवान की भक्ति करते हो, भगवान अच्छे लगते हैं कि भगवान की आज्ञा अच्छी लगती है? अगर आपको भगवान अच्छे लगते हैं तो आप क्या करते हैं? भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की हाजिरी में भगवान की पूजा करना भगवान का प्रभाव है, लेकिन भगवान की गैर हाजिरी में भगवान की आज्ञा याद आती है, क्या याद आती है? समझ नहीं जैसा, ये तो छोटी सी स्टोरी है, इसे हमको समझना। भगवान के सामने हम भक्त बन जाते हैं, लेकिन भगवान ने हमको जो जो भी आग्रह बताए, इसीलिए गुरु शिष्य को बता रहे थे मैं बाहर जाके आपका तो झाड़ू लगाना, कुत्ता लगाना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, उनकी गैराज में सब काम बता के जा रहे थे। भगवान ने हमने जो जो आग्रह दिए, भगवान के हम दर्शन के लिए आते हैं, भगवान की तो आग्रह बहुत सारे भगवान ने आग्रह बताई, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद भगवान की आग्रह कितनी बार याद आती? ये शिष्य गुरु की हाजिरी में काम करना अच्छा नहीं लगता, गुरु के सामने करता तो लगता था कि गुरु मेरे को अच्छे से रखेंगे, एक वो होता है दिखाव। भगवान के सामने भक्ति करना हमको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद भगवान की आज्ञा कितनी बार याद आती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात। ये तो अधिवासी भगवान की परमात्मा की मूर्ति है, भीतर साधना है, परमात्मा की साधना है, तो यहाँ तो 100% कोई भी नास्तिक आएगा एक बार भगवान जी के दर्शन में भी खड़ा रहेगा तो प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान का प्रभाव है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद आपको भगवान कितनी बार याद है, मेरे भगवान ने ये आज्ञा नहीं बताई, मेरे को नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ये शिष्य को काम तो बता देते थे, लेकिन अभी उनके मन में कुतूहल
अपन कहा जाने इसको कोई लेना देना गलत सोच जिनको विभाव दशा कहते हैं कौन सी भाषा संसार से हमको जो दशा है उस दशा में छोड़ के आत्मा की दशा अलग है और संसार की दशा अलग है। इनको अभी बस वही आने लगा कि मेरे गुरु कहाँ जा रहे हैं, गुरु को भी पता चल गया कि अभी तो इनको पता नहीं मेरे पीछे ही जा रहा है। तो गुरु ने जान बूझ के उनको बोला एक दिन कि आज मैं बाहर जाने वाला हूं। वो अभी पूरा उनके पीछे वॉच कर रहा है। जितने तक कुकोल होता है ना, जब तक वो नहीं देखेगा उसको चैन नहीं पड़ता, वॉच कर रहा है। गुरु ने दरवाजा कमरे का बंद किया, वो किरण में से देख रहा है कौन है वैसे कि गुरु क्या करते हैं अंदर। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उसके पीछे पीछे ही जाना। गुरु को पता था कि ये देखने वाला ही है। उनके गुरु ने एक पटाना खोला यानी पेटी खोली, उसमें से डब्बी निकाली, डब्बी निकाली अपने साथ डब्बी ली और चलने लगे। वो शिष्य भी यानी गुरु के पीछे पीछे जाने लगा। वो गुरु के वो जान उसके जंगल के रास्ते में गए, पता है कि शिष्य पीछे आ रहा है। जंगल के रास्ते में गए, वहां जाने के बाद जो डब्बी खोली, डब्बी में दो गोली थी, दो छोटी छोटी गोली थी। वो गोली मुंह में रखी, जैसे ही वो मुंह में गुरु ने रखी, गुरु उड़ने लगे, गुरु हवा में उड़ने लगे और चले गए। वो शिष्य देखता रह गया, अभी पता चला मेरे गुरु का राज किया। उस मुझे को जाने के बाद अभी कहां जाते वो भी देखना पड़ेगा। तो वो उधर ही खड़ा रहा कि अभी जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे मैं इधर ही खड़ा रहूंगा। पता तो चले लोग कब आते हैं क्या करते हैं, वो उधर ही खड़ा रहा। गुरु शाम तक रिटर्न आते हैं और वापस नीचे आए, वो मुंह में से वो तो गोली के लकड़ी पे रख दी। शिष्य पहले से उधर पहुंच गया, उनका जहां स्थान था वहां भी जाकर भी देखने लगा भी मेरे गुरु आके क्या करने वाले, वो भी देखना पड़ेगा। वो वहां जाए गए थे उसको लेके आए थे, उसको किया होगा, अभी आगे क्या करते वो देखना है। वापस गुरु अंदर गए, वो पटारा खोला, पेटी खोली, वो डब्बी को अंदर रख दी। ये बात सारी बात गुरु को बता दी। अभी इनको कुछ भी करके उनकी बुद्धि को सुधारना है। जब तक इंसान की बुद्धि नहीं सुधरती है तब तक निवृत्ति नहीं आती है। मन की बुद्धि मन की इच्छा को सुधारना है। कई लोग ऐसे होते हैं पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी चंचलता है कितनी कुतूहलता है। जैसे कि बोला कि भाई इनकी जो खुशियां है सब सही कर दो, जिनकी मन में अस्थिरता होगी ना वो इतना आवाज करेगा फटाफट 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 कर देगा, ये वो अस्थिर है। उनको कोई मन की जो शांति चाहिए होती है जीवन के अंदर नहीं, किसी को कोई काम बताए तो इतना जोर से चलेगा आगे का दौड़ेगा, मतलब वो पता चल जाता है कि इनके जीवन के अंदर अस्थिरता। जो आत्मा वहां में मिल रहता है, जो भी आत्मा वो एकदम शांत शांति से बोलता है, शांति से वर्क करता है, उनके अंदर जीवन की कभी चिड़िया बना नहीं आता है। आज के बच्चे भी क्यों ऐसे हो जाते हैं, के पास कोई ऐसा ध्यान नहीं है, मेडिटेशन नहीं है। अब ये शिष्य देखने लगा कि गुरु क्या कर रहे थे। गुरु ने वापस वो डब्बी में जो दो गोली रखी थी वही पेटी खेल के वापस रख फिर दरवाजा खोल दिया। अभी वो शिष्य आया, अभी गुरु ने उनको बोला कि मैं बाहर जाके आया हूँ, मैं थक गया हूँ और पहले क्या काल में वो गाँव जैसा था हिंदू सन थे तो बोले मैं नदी में स्नान करके और मैं दो घंटे के बाद आऊंगा। क्या करूंगा, दो घंटे के बाद आऊंगा, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। अभी शिष्य क्या करेगा पता है, तुम अभी दो घंटे के बाद आने वाले, अभी क्या करेगा। जैसे ही गुरु बाहर गए क्या करेगा, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, सीधा दौड़ता वो पटारा खोला, क्या निकालेगा, डब्बी निकाली। डब्बी निकाल के जो दो दो गोली थी सीधी मुंह में रख दी। गोली का जब होते है कोई मारते हैं तो सामने वाले को लगता है, उनको नहीं लगता इतना उन वाला हो गया हड्डिया टूट गए। अभी गोली बाहर निकल गई ऑटोमेटिकली, पूरे हड्डी मस्तिष्क सब टूट गए, इतना ऊपर नीचे हुआ सब हड्डी पर। उनको बोलने की ताकत नहीं थी, उठने की ताकत नहीं। अभी गुरु दो घंटे के बाद आए, दरवाजा खिड़की खोल नहीं रहा है, तो उसने क्या किया था अंदर से बंद किया।
मतलब आदमी को उसको बोला नहीं बोलवा है, तो गुरु शिष्य के पास आके पूछे क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ क्या, क्यों ऐसा हो गया, क्या बोलेगा वो, क्या बोले हमारे क्या चाहते हैं तुम्हें कि मैं क्या कहूँ, हमारा फंक्शन नहीं आता सब, कुछ नहीं बोले, क्या बोलेगा, उसकी गलती है, कुछ नहीं बोला, एकदम अच्छे से सब कुछ सही हो गया, थोड़े दिन दे उनका इलाज कराया, सब कुछ सही हो गया, बात क्या आती, इससे अपने को क्या समझ गया, ये तो छोटी सी स्टोरी थी, आपको क्या समझ रहा, शिष्य के अंदर क्या अस्थिरता थी, अस्थिरता थी यानी कहां से आई, कुतूहल से आई, दूसरा क्या करता है वो देखने का, ये है अनंतता जिसके कोई लेना देना नहीं, हमारा आत्मा इससे दूर कर्म का बंध करता है, कई लोग अस्थिर होते हैं, अगर उनके पाने भी घुमाएंगे तो आवाज करेंगे, इतनी आवाज करेंगे, कुछ पेटी भी पेट करना होगा तो इतना धर्म भर रखेंगे, वो पता चल जाते वो इंसान अस्थिर है, ये अस्थिरता कहां से आती है, मन से आती है, भगवान ने 12.5 साल तक अवसर किए तो कुछ नहीं कर सकते, समझ लो कि आपके पास टाइम नहीं है, आप सामयिक नहीं कर सकते हो, नहीं आप कोई बड़ा काम कर सकते हो, नहीं प्रतिक्रमण कर सकते हो, तो 5-10 मिनट का अवसर ध्यान में तो रह सकते हो, अवसर का इतना प्रभाव है कि आप अवसर ध्यान धीरे 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 करते जाओगे, आपका मन एकदम स्थिर हो जाए, मन को स्थिर करने का तो उपाय होना चाहिए, हम सब कुछ करते हैं नो डाउट, बहुत अच्छे से करते हैं, तांडू मनाते हैं, बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, लेकिन मन की अस्थिरता नहीं जाती है, होना चाहिए ना, जब 40 साल से 30 साल से 20 साल से धर्म करते हैं उसका रिजल्ट क्या है, आप एकदम शांत होते हैं, गुस्सा कभी नहीं आना है आपको, रिजल्ट क्या है, कुछ रिजल्ट आया, चाहे कोई कितना भी कुछ बोले अब कोई जवाब नहीं है, सामने वाले ने गुस्सा किया आपके ऊपर, सामने वाले ने आपके ऊपर गुस्सा किया, आपको गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं वो एक गुस्सा जब सामने वाले को आया सबसे पहले कहा जाता है आपके दिमाग में जाता है, पूरा उथल पाथल दिमाग में होता है, फिर आपके मुंह से निकलता है, उसके पहले तो नहीं जाएगा, जैसे को बोलेगा पहले आपका दिमाग सोच रहा है मेरे लिए क्या बोला, गलत बोला के सही बोला, फिर आप उसको कुछ भी बोलेंगे, एक पार्ट ये होगा, दूसरे पार्ट में जाते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी को किसी भी गोवा या काली गोले को भगवान को कुछ भी बोला लाल किला टूटी है, भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा, भगवान के पास भी सारे रिएक्शन आए, भगवान ने क्या सोचा, ये तो निमित्त मात्र है, ये निमित्त मात्र है, भगवान का रिएक्शन पूछ लेगा, नहीं अगर ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति, एक तो भगवान का मैंने एग्जाम्पल लिया, ऐसे दो महापुरुष हो गए, अगर एक व्यक्ति गुस्सा नहीं कर सकता है और एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो ये तो बात सही है कि रिएक्शन कैसा लाना वो दोनों के हाथ में है, एक बात तो पक्की हो गई ना, एक सिद्धांत हुआ ना, कोई गुस्सा करे गुस्सा करना कोई कंपल्सरी नहीं है लेकिन उनका रिएक्शन कैसे लाना है वो इंसान के हाथ में, मेडिटेशन यही करा था, कैसी भी परिस्थिति में जिनकी वृत्ति चेंज नहीं होती है वो सबसे बड़ी आराधना, ऐसी भी परिस्थिति में उनकी मन की वृत्ति चेंज नहीं होती, कैसी भी परिस्थिति आ जाए इंसान जब स्थिर हो जाता है उस परिस्थिति के अंदर तो समझना कि आपका मन आपका धर्म कुछ आत्मलक्षी है, पता है ना ये परिस्थिति में मेरे आत्मा को कुछ होने वाला नहीं है, कैसी भी परिस्थिति आए बस परिस्थिति का सामना करे वही सबसे बड़ा धर्मी है, कैसी भी जगत के अंदर परिस्थिति आए धर्मी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान की परिस्थिति बदलने की ताकत ध्यान से सुनना, इंसान को चाहे भगवान भी हो भगवान उसकी परिस्थिति को चेंज कर नहीं सकते,
लेकिन छोटा इंसान अपने मन की स्थिति को चेंज कर सकता है। भगवान को पता है कि इस समय मेरा धर्म का उदय आने वाला है, इस समय मेरा केवल ज्ञान मोक्ष कार्यक्रम होने वाला है। भगवान ने एक क्षण के लिए भी आयुष्य नहीं बढ़ाया। भगवान को पता था इस परिस्थिति को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान मन स्थिति को चेंज कर सकते हैं। जब आज के काल के अंदर हम मन स्थिति को चेंज नहीं करते, हम परिस्थिति के पीछे भागते हैं। अपनी मन की स्थिति को चेंज कर दो, जितनी भी कुछ परिस्थिति आएगी आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कोई कितना भी कुछ बोले, उनका रिएक्शन कैसा आता है उससे पता चल जाता है कि इनके जीवन के अंदर कितना धर्म है। आज तो परिवार के अंदर अशांति होती है, क्यों अशांति होती है? आपने किसी को थोड़ा भी बोला ना, सामने वाला इतना जोर से चिल्लाएगा, इतना जोर से चिल्लाएगा कि पूरा घर का माहौल बिगड़ जाएगा। उनके जीवन के अंदर अस्थिरता है, ये तो सबसे बड़ी बात है। जब तक हमारे मन की स्थिति, मन वचन काय तीनों शांत नहीं बनेंगे, तब तक कर्म का क्षय नहीं होने वाला। तीनों को एकदम शांत बनाना, जैसे ही वो शांत हो जाएंगे, पांची इंद्रियों के सुख ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। आपकी कोई इच्छा ही नहीं होगी कि मैं ये पाप करूं, ये खाओ वो खाओ, ये देखो ये सुनो, इसकी निंदा करो उसकी निंदा करो, सब कुछ ऑटोमेटिक छूट जाएगा। हमको क्या करना है, वृत्ति को छोड़ के निवृत्ति में आना है। अगर कुदरत यानी बहुत समझ दे जैसा है कि जिससे कोई लेना देना नहीं है, और हमारा आत्मा कर्म का बंध करता है जिससे कोई लेना देना नहीं। अतीत गंदगी की मूवी देख के आए, समझ लो देख के आ गए, पैसा भी खर्चा किया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं, जिनका नाम अंदर दर्द। ऐसी संसार में बहुत सारी क्रिया है जिससे कुछ नहीं मिलता है और हमारा आत्मा कर्म का बंध करता है, उसका नाम है अनर्थन। और आज के काल के अंदर अनर्थन बढ़ता जा रहा है। बच्चे स्कूल से आते हैं, जैसे ही उनका लेसन कुछ खत्म हो जाता है, क्या हाथ में लेते हैं, गेम हाथ में लेते हैं, जिससे बच्चे को कुछ नहीं मिलने वाला है वो अनर्थन में ही रहता है। आप घर से या ऑफिस से घर आते हो, खाना खा लिया, अभी आप फ्री हो गए, आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं, यानी कि अनर्थन। किसी को मन की स्थिति को चेंज नहीं करनी, ये तो आराधना किसी की भगवान की पूजा करने के लिए हम क्यों आते हैं, किसके साथ लेके? तो समझ नहीं ऐसा है, भगवान की पूजा करने पर हम क्यों आते हैं, प्रतिक्रमण करने क्यों आते हैं, हम सामाई क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भाई? इतना कुछ करने के बाद आपका मन शांत नहीं रहता है, तो इसका फल क्या नहीं है? मन को शांत होना चाहिए। ये तो क्या हुआ, जब मैं यहाँ आता हूँ तभी धरती गर्म करता हूँ और उसके घर जाने के बाद कुछ नहीं करता हूँ। जब आप फ्री होते हैं तभी आपकी मन की स्थिति चेंज होनी चाहिए, तभी आप धर्म ध्यान में लीन हो जाते हो। तभी ऐसा हो घर जाने के बाद आप एक कोने में जाके ठीक है अभी पहले घर पहुंचाऊ, सब काम हो गया, जो भी आपका खाना जो भी कुछ हो गया, अभी मैं शांति से कोने में जाके 10 मिनट का आवश्यक पर हूँ, ऐसा कभी हुआ? और कुछ किया, भगवान अपने ध्यान में लीन होने लगे। क्या आपको 12.5 साल तक भगवान को बहुत कुछ कर सकते हैं, भगवान तो भगवान ही है। जैसे तो हर एक आत्मा की बात है, भगवान कैसे तो नहीं कर सकते, 12.5 साल की हमारी ताकत नहीं, 12.5 नहीं कर सकते हैं। वो भगवान को याद करके कि मैं भगवान महावीर स्वामी का संतान हूँ, बस 12.5 मेरे लिए, तो 12 मिनट कार्योस्तक करना है, एकदम सब कुछ विचार छोड़ के एक ध्यान में रहना। आपका मन 10-20 दिन ट्राई करो, आपका जो भी मन है एकदम शांत हो जाए, कोई कितना भी चिल्लाएगा ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज कई बार में अशांति क्यों होती है, क्यों होती है, वही होती है, हमको परिस्थिति सुधारने की ताकत हमारे पास नहीं है। थोड़ी भी परिस्थिति चेंज हो जाती है हमको गुस्सा आ जाता है, किसी ने हमारा नहीं माना हमको गुस्सा आ जाता है, अपनी बात जब नहीं मानी जाती है तो गुस्सा आ जाता है। एक और लड़का था, बहुत धार्मिक था, सोया करता था, पूजा करता था, बहुत कुछ करता था, सारे नियम लिए हुए थे, ये नहीं करना वो नहीं करना, होटल में नहीं जाना, एग्जाम बहुत मेगा बुद्धि वाला था, एग्जाम दिया 100 में से 99% आए, खाली एक ही कम आए, कितना कम आया,
एक कम आया, एक कम आया वो झेल नहीं पाया कि मेरे 100% क्यों नहीं आए। एक तरफ सारा कुछ चालू है, आराधना सारी चालू, लेकिन जैसे ही परिस्थिति ऐसी आई कि उनका एक मार्क्स कम आया तो वो बोला कि मैंने 100% लिखा था, वो सोचने सोचने ही पड़ गया, मैं 100% लिख गया था, मेरा 99 क्यों आया। सोचता गया, टेंशन में आ गया, नहीं मेरा 50 आना चाहिए, 99 आना ही नहीं चाहिए। उस बच्चे ने आगे जाके आत्महत्या कर, देखो जो एग्जाम में समझिए ऐसी बात है, जो जिनका एग्जाम में 50% या 50% आता होगा और हर बार जिनका एग्जाम में 1 से 5 में आता होगा, 90% से 100% आता होगा, ज्यादा टेंशन किसको होती है? 90 से 100 वाले को होती है, 40, 50, 60 ऐसे आता रहता है।